लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के मकसद से केंद्र सरकार ने बजट में अनेक प्रावधान किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। भिलाई के उद्योगपति के झा ने केंद्र सरकार द्वारा बजट में किए गए प्रावधानों को एमएसएमई उद्योग के लिए लाभदायक बतलाया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में इन उद्योगों को होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और वे उद्योग आर्थिक रूप से सशक्त भी बन सकेंगे। इस बार जो एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार ने जो दिया है बजट में, उससे कुछ फायदे तो हैं। फायदे इस टाइप का है जो एमएसएमई को बढ़ावा को उन्हें स्वीकार किया कि एमएसएमई को बढ़ावा होना चाहिए, और बढ़ावा के साथ साथ जो बैंक के लोन में और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, अधोसंरचना में बढ़ोतरी, ये सब जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वास्तव में एमएसएमई को फायदा होगा। वहीं भिलाई के ही एक दूसरे उद्योगपति हरीश मुदलियार का कहना है कि कोरोना काल के दौरान बैंक गारंटी के तौर पर काटा गया पैसा वापस कराने का प्रावधान भी बजट में किया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को स्थापित होने में मदद मिलेगी। खासकर हमारे जैसे जो सेक्टर जो कि कोविड पीरियड्स में काफ़ी सफ़र किए हैं, बैंक, लेबर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हुई है जिसके से हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा करके, उसमें ये रिलीफ पैकेज है। सबसे पहला इसमें ये है कि हम लोग जो भी अमाउंट हमारा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में जमा रहता था और किसी कारणवश इस पीरियड में कोविड पीरियड जो कि 19/2/2020 से लेकर केंद्र सरकार ने 31/3/2022 तक माना कि ये कोविड का पीरियड था, इसमें काफ़ी तकलीफ भरा समय निकला है, इस पीरियड में रिलीफ देने के लिए तीन सेक्टर में, एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, दूसरा ईएमडी और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो एलडी, ये गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि इस पीरियड में जो भी पैसे कटे हैं उसका 95% हम सेक्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह के बजट के प्रावधानों को लेकर उद्योग जगत में एक उत्साह का माहौल है।